नमस्कार, मैं आपके साथ रेबिका कोटी, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया के मुख्य समाचार। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी फिर से हुई कोविड पॉजिटिव, जयराम रमेश ने ट्वीट कर बताया। शिवसेना में बगावत के बाद कोई जमीनी साख को फिर से पाने मैदान में उतरे आदित्य ठाकरे। उदित नारायण के फैन है किरण रिजिजू, शेयर किया वीडियो, बोले उनके गीतों को नहीं भूल सकता। आतंक पर चोट, जम्मू कश्मीर सरकार ने हिजबुल चीफ के बेटे समेत 4 को आतंकी कनेक्शन पर नौकरी से निकाला। भारी भीड़ के मद्देनजर अब ताजमहल के मुख्य गुंबद की लगेगी टिकट, बाकी के भागों पर दीदार रहेगा निःशुल्क। राजस्थान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर में दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया। कर्नाटक में सीएम बोम्मई के नेतृत्व में बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। हर घर तिरंगा, आज अपने निवास पर ध्वजारोहण करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाले डेलीगेशन से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर बिट्टा कराटे की पत्नी समेत 4 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। मोहम्मद नदीम को एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जीईएम से कनेक्शन के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। यूपी हमीरपुर जेल में 9 कैदियों समेत 11 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। गृह मंत्री अमित शाह ने पत्नी सोनल शाह के साथ अपने घर पर तिरंगा फहराया। दिल्ली में खतरे के निशाने से ऊपर बह रही यमुना, 205.99 मीटर है जल स्तर। सलमान रुश्दी पर हमला बेहद शर्मनाक, मदद करने वालों के आभारी, व्हाइट हाउस की बयान। आसाम 13 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत पर घर पहुंचे सीएम, एसपी समेत 3 अफसर सस्पेंड। उज्जैन महाकाल मंदिर में हंगामे पर बीजेपी ने जिलाध्यक्ष समेत 18 नेताओं को पदों से हटाया। दिल्ली इंद्रपुरी पुलिस ने भोजपुरी गायक को 21 केजी गांजा के साथ पकड़ा। चीन की गतिविधियां शांति और स्थिरता के विपरीत, व्हाइट हाउस। दिल्ली यमुना का जलस्तर खतरे के निशाने के पार, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की तैयारी तेज। हर घर तिरंगा, आईटीबीपी ने भारत चीन सीमा पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज, जय हिंद गीत जारी किया। आरएसएस और मोहन भागवत ने अपने ट्विटर डीपी में तिरंगा लगाया। मेंटेनोग्रो में गोलीबारी ने 11 लोगों की ली जान। उर्वशी और ऋषभ पंत के झगड़े में कूदे फैंस, वायरल हुए मजेदार मीम्स तो लोग रोक नहीं पाए हंसी। स्वतंत्रता दिवस रिहर्सल को लेकर दिल्ली मेट्रो के इन स्टेशनों के आज बंद रहेंगे गेट, डीएमआरसी ने दी जानकारी। आजादी से अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा संकल्प का सभी फिल्म सितारे तहे दिल से समर्थन कर रहे हैं। मां की इस हरकत से परेशान हुई सानिया मिर्जा, वीडियो शेयर कर बोली, बस भारतीय ही समझ पाएंगे। हॉलीवुड सिनेमा ने की आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा की तारीफ, सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया फिल्म का ये खास वीडियो। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने की लाइगर से मुलाकात, विजय संग फोटो शेयर कर बोली, मिलना रह गया था। सोशल मीडिया पर छाया आदित्य रॉय कपूर का एक्शन अवतार। केपी एक्सप्रेस में आज इतना ही, देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।